चीन के लिए चक्रव्यूह तैयार हो चुका है। न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका ने चीन के लिए ऐसी व्यूह रचना की है कि चीन का बचना अब बहुत मुश्किल है। चीन के लिए सबसे बड़ा खतरा हिंद महासागर में तैर रहा है। बिल्कुल, अमेरिका ने चीन के मोर्चे पर हिंद महासागर को ही अपना बेस बना लिया है। इस समंदर में अमेरिका ने 7 वॉरशिप तैनात किए थे, लेकिन अब 8वां जंगी बेड़ा यूएसएस त्रिपोली भी उतार दिया है। चीन पर ट्रंप का कहर, वॉर फिक्स एट समंदर। यूएस किलर मिसाइल तैयार, ड्रैगन पर बरसने को बेकरार। घातक हथियारों के साथ विध्वंसक वॉरशिप तैनात। बुरी तरह घिरा चीन, हर मोर्चे पर वॉर सीन। अमेरिका ने चीन के खिलाफ युद्ध छेड़ने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, इसलिए दुनिया के दूसरे हिस्सों से ज्यादा अमेरिका का ध्यान चीन पर है। बस सही वक्त का इंतजार है। बौखलाया चीन सिर्फ एक गलती करेगा और अमेरिका चीन के आसमान को धुआं धुआं कर देगा। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है अमेरिका के जंगी बेड़ों की मूवमेंट, जो चीन के करीब समंदर में हलचल दिखाकर ड्रैगन लैंड में खलबली मचा रहे हैं। ब्लैक सी, साइबेरियन सी, ईस्ट चाइना सी, फिलीपींस सी, साउथ चाइना सी में तो अमेरिका ने अपनी पकड़ मजबूत की ही है, लेकिन अब हिंद महासागर से चीन की तरफ बड़ा खतरा बढ़ रहा है। अमेरिका ने चीन से युद्ध की आशंका को देखते हुए हिंद महासागर में वॉरशिप का जो जमावड़ा किया है, उसकी ताकत बढ़ाने के लिए अब तक का सबसे बड़ा कदम उठाया है। ट्रंप ने अपनी नेवी के विध्वंसक हथियारों से लैस जंगी जहाज यूएसएस त्रिपोली को भी चीन के सामने मोर्चे पर तैनात कर दिया है। इसकी जानकारी खुद अमेरिका ने दी है, जो चीन के लिए बढ़ने वाले खतरे का प्रमाण है। अब जंग हिंदुस्तान के मुहाने से छिड़े या फिर दूसरे समुद्री मुहाने पर, अमेरिका को मदद रियल टाइम पर मिलेगी। यूएसएस त्रिपोली हिंद महासागर में अमेरिका का 8वां वॉरशिप है। इससे पहले अमेरिका के 7 वॉरशिप हिंद महासागर में मौजूद हैं। सभी अमेरिकी वॉरशिप भारतीय नेवी से कांटेक्ट बनाए हुए हैं। कुछ अमेरिकी वॉरशिप चीन के पास पेट्रोलिंग ड्यूटी कर रहे हैं। इन पेट्रोलिंग वॉरशिप को भारतीय वॉरशिप भी मदद दे रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि चीन की घेरेबंदी में अमेरिका को भारत से बड़ी मदद मिल रही है और अमेरिका बिना किसी रोक टोक के जंग के मैदान में उतर कर चीन को सीधे ललकार रहा है। अमेरिका की प्लानिंग का ये सिर्फ एक छोर है। अभी बहुत कुछ ऐसा बाकी है जो चीन को सामरिक मोर्चे पर कमजोर बनाता है। घेरेबंदी का चक्रव्यूह कितना खतरनाक है, इसे भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले हिंद महासागर में तैयार चीन की तबाही के सामान की गिनती कर लीजिए। इस वक्त यूएसएस निमित्ज भी हिंद महासागर में ही है। इसके अलावा खतरनाक यूएसएस रोनाल्ड रीगन, विध्वंसक यूएसएस अमेरिका, किलर मिसाइल से लैस यूएसएस वॉशिंगटन, परमाणु हथियार से लैस यूएसएस प्रिंसटन, हमलावर यूएसएस स्ट्रेट, तबाही मचाने वाले यूएसएस रॉल्फ जॉनसन और युद्ध का पवंडर उठाने वाला यूएसएस त्रिपोली भी हिंद महासागर में पहुंच चुका है। यानी कुल 8 वॉरशिप इस वक्त हिंद महासागर में मौजूद है, जिन्हें हमले के लिए ना तो चीन की समुद्री सीमा में उतरने की जरूरत है, ना ही चीन से लगे सीधे मोर्चे पर जाने की जरूरत। इन वॉरशिप्स के साथ एयरक्राफ्ट कैरियर भी चीन पर तबाही का बारूद बरसाने के लिए हिंद महासागर से ही उड़ान भरने में सक्षम है। इसके अलावा इन वॉरशिप में तैनात किलर मिसाइलें पूरे चीन को कवर करने की काबिलियत रखती हैं। मतलब साफ है, हिंद महासागर से चीन पर हमला हो सकता है और चीन का सफाया भी, लेकिन तैयारी इससे भी ज्यादा घातक है। अमेरिका का चक्रव्यूह देखिए। ईस्ट चाइना सी के पास साउथ कोरिया में अमेरिका के 8 मिलिट्री बेस हैं। इसी सागर से लगे जापान में भी अमेरिका के 8 मिलिट्री बेस बने हैं। ठीक नीचे इरक्यू आइलैंड में अमेरिका ने 7 बेस बना लिए हैं। फिलीपींस में अमेरिका ने 6 मिलिट्री बेस बनाए हैं। नॉर्दर्न मारियाना आइलैंड में 2 मिलिट्री बेस हैं। गुआम में अमेरिका ने 3 फॉरवर्ड बेस बनाए हैं। माइक्रोनेशिया में भी अमेरिका का एक बेस तैयार है। पलाऊ में भी अमेरिका ने एक बेस तैयार कर लिया है। इसके अलावा वुडी आइलैंड में भी एक बेस अमेरिका का है। सुबी रीफ में 2 बेस हैं, क्रॉस रीफ में 3 और मिस्चीफ रीफ में 4 बेस बने हैं। सिंगापुर में भी यूएस आर्मी 3 अमेरिकी मिलिट्री बेस पर तैनात है। ऑस्ट्रेलिया के पास ड्राविन में भी अमेरिका ने 2 ठिकाने बना लिए हैं। यानी पाकिस्तान, मंगोलिया और रूस की इस जमीनी सरहद को छोड़ दिया जाए तो अमेरिका ने चीन के लिए ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिससे निकल पाना न सिर्फ मुश्किल होगा बल्कि पूरी तरह नामुमकिन है। सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका ने जिन वॉरशिप को चीन के मुहाने पर तैनात किया, उसमें ज्यादातर न्यूक्लियर हथियारों से लैस है।
वहीं जो बेस बनाए गए हैं वहां अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर बॉम्बर्स के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइलें भी तैनात की हैं, जो किसी भी वक्त चीन पर कहर बरपाने में सक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।